हेलो नमस्ते स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। हियर इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम इज नो द कीबोर्ड। हम क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? नो द कीबोर्ड मीन्स हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हियर इज ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्या है फर्स्ट चैप्टर? आइडेंटिफाई एंड फैमिलियराइज विद द पोजीशन ऑफ कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, नम लॉक की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कैप्स लॉक की कहाँ होता है, शिफ्ट की कहाँ होता है, नम लॉक की कहाँ होता है। अप्रिशिएट पर्पस ऑफ दीज की, इस की को यूज करने से क्या फ़ायदा होता है। फैमिलियराइज विद द पोजीशन ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड। डिलीट की और बैक स्पेस का क्या काम है? यूज ऑफ डिलीट की एंड बैक स्पेस की, यूज ऑफ बैक स्पेस की और डिलीट की से हमको क्या मिलता है? डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस की, डिलीट और बैक स्पेस से हमको क्या मिलता है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट, हेयर इज ए डिस्कशन। हेयर बोथ स्टूडेंट डोबो एंड टोबो, फर्स्ट स्टार्ट डोबो। डोबो कैन वी टाइप लेटर कैपिटल लेटर एज वी राइट इन कैपिटल, क्या हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं? कैन वी टाइप कैपिटल लेटर एज वी राइट इन कैपिटल, क्या हम समझ में आया? कैपिटल हम लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल, यस इट इज पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है? यस ये पॉसिबल है। फिर अगेन डोबो, हाउ कैन आई टाइप कैपिटल लेटर, देन आंसरिंग टोबो, यस यू कैन यूज द स्पेशल की फॉर डूइंग, यह काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्पेशल की का यूज करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज स्पेशल की? स्पेशल की हेयर इज ए स्पेशल की, हेयर इज ए स्पेशल की, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की ये कहाँ होता है कीबोर्ड में? यहाँ पे ये स्पेशल की है, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, ये स्पेशल की है। नाउ वी सी ये हम यहाँ देखते हैं, हेयर हम यहाँ ये देखते हैं जो कैप्स लॉक की कौन सा है। तो हेयर यहाँ हम देखते हैं कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की, और यहाँ है ये शिफ्ट की, है ना। यहाँ हम कैप देखते हैं, क्या यहाँ है शिफ्ट की, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्स लॉक की। यहाँ देखिए क्या है, बैक स्पेस की, और यहाँ है डिलीट की, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए लैपटॉप कीबोर्ड, ओके। नाउ कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की, व्हाट इज कैप्स लॉक की? वी सी वेयर इज दिस की, ओके ऑन कीबोर्ड। राइट नाउ हेयर वी व्हेन वी प्रेस द की द कैप्स लॉक की लाइट ग्लो ऑन द कीबोर्ड। ग्लो मतलब क्या होता है? जलना होता है। जब हम कैप्स लॉक की को हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका लाइट जलता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ है, यहाँ क्या हो, कौन सा है? कैप्स लॉक की, इसमें छोटा सा ये लाइट है ना। यहाँ हम देखें, जैसे ही हम इसको प्रेस किए तो देखिए ये लाइट ग्लो हो गया, मतलब क्या, ये जलने लगा। अगर इसको ऑफ कर दिए तो ये क्या हो गया, लाइट ऑफ हो गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जैसे ही इसको प्रेस किए लाइट जला, ये जैसे ही ऑफ किए लाइट ऑफ हो गया, ठीक है। वही हमको यहाँ बोला जा रहा है। अब ऑन नाउ द टेक्स्ट वी टाइप विल अपियर इन कैपिटल लेटर। जब हम इसको ऑन कर देते हैं
कैप्स लॉक ऑन करके देते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो क्या होता है, कैपिटल में लिखाता है। वी सी केयरफुली हेयर राइट नाउ, हेयर इज ए कैप्स लॉक ऑफ आफ्टर वी टाइपिंग सच यू सी हेयर Here is a small letter, okay? Caps lock is off, okay? If we caps lock is on, here is on, then light is glow after we type here. Here is one. You watch carefully. What is different between? Both are different, okay? First is capital. First is capital letter. After everything is small, but here every letter are capital letter. Okay. Next. When the caps lock key of the text will type will appear in a small letter. Now again we see here caps lock is on. Here caps lock is on. Then we type something. Here we see all DAV are all capital letter, but if we caps lock is off, here light is off, and again we type here in new line DAV, here is a small letter, okay? मतलब क्या हुआ, जब हम caps lock on कर देते हैं तो capital लिखाने लगता है, जैसे ही caps lock off करते हैं तो small लिखाने लगता है, ठीक है? Next, here a small letter Dobo. Now discussing a start Dobo. Okay, but how can the key be turned off? अब हम उसको कैसे हम off करेंगे, but can be turned off, क्या हम तो caps lock को हम क्या किए, उसी की को फिर से हम प्रेस किए, जैसे यहाँ क्या कर रहा है, जो हम इसको caps lock को ऑफ हम कैसे करेंगे, तो caps lock यहाँ है, here is caps lock ऑन करने के लिए इसी caps lock की को प्रेस करेंगे एक बार तो ये ऑन हो गया, और इसी caps lock को फिर से हम अगर प्रेस कर दिए तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, समझ में आया, इसको ऑन कर दिए और फिर इसको प्रेस किए तो ये ऑफ हो गया, समझ में आ गया। दिस लाइन सेज दिस। नाउ हेयर डोबो, व्हेन यू प्रेस द की इट विल टर्न ऑफ एंड लाइट विल डिसअपियर। नाउ व्हाट एवर यू विल टाइप इन ए स्मॉल केस, मतलब क्या, तो फिर जैसे ही हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो कैपिटल, जैसे ही ऑफ करते हैं तो स्मॉल, सच की विच कैन बी टर्न ऑन और ऑफ आर कॉल्ड टॉगल की। ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको VBI करके मेन पॉइंट में लिख लेना है नोट्स में, ठीक है। व्हाट इज टॉगल की, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, व्हाट इज टॉगल की, तो जो कि ऑन और ऑफ होता है उसको हम टॉगल की बोलते हैं। हेयर इज सच की विच कैन बी टर्नड ऑन एंड ऑफ आर कॉल्ड टॉगल की, समझ में आ गया, जो कि टर्न ऑन होता है टर्न ऑफ होता है उसको हम टॉगल की बोलते हैं। डोबो आई प्रेस द की सो हार्ड दैट इज ब्रॉक, वाट आई शुड डू नाउ। अब ये क्या कर रहा है,
प्रेस द की सो हार्ड दैट इज ब्रोक। मतलब क्या, जैसे हम इस की को हम प्रेस किए और ये इतना ज़ोर से प्रेस कर दिए, इतना प्रेस कर दिए वो टूट गया, तब हम क्या करेंगे? डोबो, डोबो को बोलता है यू मस्ट यूज कंप्यूटर वेयर केयरफुली। मतलब क्या, हमको कहा जा रहा है, ये तो हम जानते हैं केयरिंग ऑफ कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर का जो भी है हमको केयर करना है, कोई भी कंप्यूटर का वो जो भी पार्ट होता है छोटा छोटा होता है, उसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए हमको वेरी केयरफुली केयरफुली यूज करना है, है ना। वी मस्ट यूज कंप्यूटर वेयर केयरफुली, क्योंकि केयरफुली अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर कुछ भी पार्ट अगर टूट गया तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, डोबो, यस आई एम सॉरी, अब वो उसको पछतावा होता है। बट प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी डन इफ कैप्स लॉक की मिसिंग ऑन कीबोर्ड। ये कह रहा है क्या, जो अगर शिफ्ट की ये कैप्स लॉक की कंप्यूटर में कीबोर्ड में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, देन हाउ विल टाइप इन कैपिटल लेटर। मतलब क्या हुआ, अगर कैप्स लॉक की नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, नाउ देन आंसर टोबो, इन सच केस वी कैन यूज शिफ्ट की। इस केस में हम क्या करेंगे, शिफ्ट की का यूज करेंगे। अभी हम जस्ट बताएं शिफ्ट की कहाँ है, है ना, यहाँ पे यह बताया गया जो शिफ्ट की का हम यूज करेंगे, तो शिफ्ट की कहाँ है, हेयर इज ए कंप्यूटर शिफ्ट की, हेयर इज ए शिफ्ट की एंड हेयर इज ए शिफ्ट की इन कंप्यूटर सिस्टम, यू वॉच केयरफुली, हेयर इज ए शिफ्ट की एंड हेयर इज ए शिफ्ट की, बोथ प्लेस शिफ्ट की, ओके, इन कंप्यूटर टू, इन कंप्यूटर कीबोर्ड टू शिफ्ट की, कंप्यूटर के में कितना होता है, दो शिफ्ट की होता है। ठीक है, नाउ हेयर दिस इज यूज टू कम्बिनेशन की विथ अदर की, इसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन की भी बोलते हैं, क्योंकि यह दूसरे से कंबाइन करता है। इफ वी वांट टू टाइप द अपर कैरेक्टर वी यूज द शिफ्ट की। क्या कहा जा रहा है, जब अभी हम अपर कैरेक्टर और लोअर कैरेक्टर हम बताएं ना, अपर कैरेक्टर क्या होता है और लोअर कैरेक्टर क्या होता है, अभी हम बताते हैं। प्रेस शिफ्ट की व्हेन विथ एनी अदर लेटर अल्फाबेट विल यू गेट द लेटर इन कैपिटल केस। अब यहाँ पे इससे पहले हम अपर केस और लोअर केस बताएं, अदर अपर केस क्या है, हेयर, वॉच दिस कीबोर्ड केयरफुली, हेयर इज, हम यहाँ क्या देखते हैं, हेयर यू वॉच केयरफुली, हेयर एवरी की प्रिंटेड ओनली वन थिंग, बट हेयर यू वॉच केयरफुली, ऊपर क्या है एट द रेट, नीचे है टू लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले को अपर केस, नीचे वाले को लोअर केस बोलते हैं, समझ में आ गया। हेयर इज परसेंटेज, नीचे फाइव है ना, यहाँ हम क्या देखते हैं, प्लस और इक्वल टू। ठीक है, अब आते हैं अपर केस लोअर केस हो गया। नेक्स्ट द प्रेस शिफ्ट की विद द अदर की अदर लेटर द अल्फाबेट शुड बी गेट द लेटर इन कैपिटल। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम कुछ लिखते हैं तो हम लिखते हैं तो क्या होता है, वी वॉच केयरफुली हेयर वी राइट डी ए वी, देन इट इज ए लोअर स्मॉल केस, लोअर केस, ओके, बट इफ वी टाइप शिफ्ट, हेयर वी प्रेस फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ हम देखते हैं पहले इसको हम प्रेस करते हैं शिफ्ट को, और पहले हम एस को प्रेस किए हैं, ये क्या देखें, एस, यहाँ देखिए ये क्या है, एस है, सब छोटा स्मॉल लिखा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ शिफ्ट
पहले शिफ्ट दबा दिए, उसके बाद हम एस को प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ देखिए सब क्या लिखा रहा है, सब कैपिटल लिखा रहा है ना। शिफ्ट के साथ हम अगर प्रेस करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके और उसके बाद कोई भी की को हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल नहीं वो कैपिटल लिखा रहा है। लेकिन अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे जो कैप्स लॉक ऑन रहेगा तब कैपिटल लिखाएगा। तो यहाँ देखिए कैप्स लॉक क्या है, ऑफ है, उसके बाद हमारा सारा कुछ कैपिटल लिखा रहा है। कैसे, क्योंकि ये शिफ्ट हम प्रेस किए हुए हैं। अगर हम शिफ्ट की को नहीं प्रेस करते हैं फिर हम देखते हैं लिख करके जो ये क्या लिखा रहा है। देखिए सब फिर स्मॉल हो गया। फिर अगर हम शिफ्ट को प्रेस कर दिया उसके बाद फिर हम यहाँ लिखने लगे तो क्या हो गया, सब कैपिटल लिखाने लगा। अगर हमको यहाँ टू लिखना है, अगर यहाँ हमको टू लिखना है, अभी हम शिफ्ट को नहीं दबाए हैं, सिर्फ हम यहाँ देखे प्रेस टू किए, प्रेस टू, तो प्रेस टू किए तो क्या हुआ, टू लिखा गया। लेकिन हमको चाहिए ऐट द रेट ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो टू थ्री देखिए यही सिर्फ नीचे वाला लिखा रहा है, देख रहे हैं जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं सब नीचे वाला लिखा रहा है। लेकिन हमको ऊपर वाला अपर केस चाहिए तो क्या करेंगे, शिफ्ट क्या करेंगे हम, पहले शिफ्ट उसके बाद टू, यहाँ देखिए टू है ना, टू। फिर हमारा वहाँ कीबोर्ड पर भी देखेंगे, देखिए वहाँ कीबोर्ड देखिए यहाँ पहले देखिए टू लिखा हुआ, ऊपर वाला चाहिए ऐट द रेट, तो अब वहाँ कीबोर्ड में देखिए वहाँ लिखा गया क्या, कंप्यूटर पर, यहाँ देखिए थ्री है, हमको क्या चाहिए, देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ फोर है, फोर के ऊपर डॉलर है, डॉलर लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इफ वी वांट टू टाइप अपर केस वी यूज द शिफ्ट की। ओके, हम अपर केस में यूज करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। प्रेस शिफ्ट की विथ एनी अदर लेटर अल्फाबेट एंड यू विल गेट द लेटर इन कैपिटल कैपिटल केस। अभी हम कैपिटल स्मॉल करके हम देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिस की ऑल्सो यूज द सम मोर की। यह क्या और भी सम मोर की के साथ यूज होता है। वेन वी प्रेस शिफ्ट की अलॉन्ग विथ द नुमरिक की प्लेस इन द लाइन एवब द अल्फाबेट की वी विल सी द अपर कैरेक्टर एंड नंबर की ऑन द स्क्रीन। अभी हम जस्ट प्रेस करके हम देखें क्या देखें, हम जो अभी यहाँ का हम डायरेक्ट हैं अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, नंबर लिखाता है। अगर शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस किए तो क्या हो गया, अभी हम जस्ट ये लिखे थे जो यहाँ पहले नंबर लिखा रहा था, और शिफ्ट के साथ प्रेस किए तो ऐट द रेट डॉलर ये सारा कुछ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट दिस नंबर की ऑन द की डोबो। आई एम कन्फ्यूज, अब हेयर इज डिस्कसिंग, अब ये कन्फ्यूज हो रहा है कौन, डोबो। वाट डू यू मीन बाय द अपर कैरेक्टर ऑफ नुमरिक की, नुमरिक की अपर कैरेक्टर ऑफ नुमरिक की, नुमरिक की क्या होता है अपर कैरेक्टर ऑफ नुमरिक की। अभी हम जस्ट देखें अपर कैरेक्टर क्या है, वाट डू यू मीन बाय अपर कैरेक्टर ऑफ नुमरिक की, यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ देखिए ये की है थ्री लिखा हुआ, ये क्या है थ्री, क्या है नुमरिक की है, टू क्या है थ्री, टू क्या है नुमरिक की, इसके ऊपर जैसे क्या है एट द रेट, ये फोर है, फोर के ऊपर क्या है डॉलर है, ये फाइव है, तो ये नंबर है, नंबर के ऊपर क्या है अपर केस, यही है हमारा क्या अपर केस। ठीक है, अपर केस, ठीक है अपर केस, अपर कैरेक्टर ऑफ नुमरिक की। टोबो टोबो चेक द की केयरफुली, अब चेक द की केयरफुली, की को हम चेक करेंगे ध्यान से। देयर आर सम की विथ टू कैरेक्टर, सम की जो है वो क्या है टू कैरेक्टर है। दे आर नो अपर एंड लोअर कैरेक्टर, अभी हम जस्ट बताएं जो अपर कैरेक्टर
और लोअर कैरेक्टर। अपर कैरेक्टर जैसे एट द रेट, लोअर कैरेक्टर यानी टू। की ऑन द ऑन विच द नंबर टू इज रिटन, अभी हम टू जस्ट दिखाएं। ऑल्सो हैज एट द रेट सिंबल ऑन इट, अभी हम जस्ट दिखाएं। नंबर टू इज द लोअर कैरेक्टर वाइल एट द रेट इज अपर कैरेक्टर। इफ यू विश टू टाइप एट द रेट यू नीड टू प्रेस की अलॉन्ग विद द शिफ्ट की, अभी हम जस्ट बताएं। क्या बताएं? जब हमको एट द रेट चाहिए है ना, अभी हम कीबोर्ड यहाँ देख रहे हैं, तो हमको अगर सिर्फ टू चाहिए, इफ वी नीड ओनली टू देन प्रेस हेयर यू वॉच ओनली टू थ्री टू। इफ वी नीड एट द रेट देन फर्स्ट प्रेस शिफ्ट, हेयर इज ए शिफ्ट, आफ्टर प्रेसिंग टू देन आई गेट एट द रेट एट द रेट। यू वॉच केयरफुली, ओके। आफ्टर दैट हेयर इज ए शिफ्ट की एंड हेयर इज ए एक्टिविटी, यू डू केयरफुली, वॉच केयरफुली, यू वॉच केयरफुली दिस कीबोर्ड हेयर। द लोकेट द कैप्स लॉक की ऑन द कीबोर्ड इफ यू प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के साइड में क्या है, कौन सा साइड में ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड कैप्स लॉक की कौन सा साइड में। नाउ वी वॉच हेयर, हेयर इज ए कीबोर्ड, हेयर इज ए कैप्स लॉक की, तो वॉट इज दिस साइड, राइट इज हेयर, लेफ्ट इज हेयर, देन वॉट इज दिस साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, ओके, दिस इज ए लेफ्ट साइड ऑन कीबोर्ड। यहाँ पे हम क्या देंगे, लेफ्ट, ओके, हेयर इज लेफ्ट। वी कैन व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑन वी गेट, जब कैप्स लॉक की ऑन रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा लेटर लिखाता है, कैपिटल, ओके। लोकेट द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड इफ वी लोकेटेड बिलो, लोकेट द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड इफ इट इज लोकेटेड बिलो, अब शिफ्ट की कौन सा की के जस्ट बिलो है यानी उसके नीचे है। अब हम देखते हैं क्या है, वेयर इज ए शिफ्ट की, एक शिफ्ट की यहाँ है और एक शिफ्ट यहाँ है, तो यहाँ कौन सा की के जस्ट नीचे है, एक इंटर की, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे हेयर इज ए टू शिफ्ट की इन कीबोर्ड, फर्स्ट इज बिलो ऑन कैप्स लॉक की एंड सेकेंड इज बिलो ऑन शिफ्ट की, ओके, यू राइट बोथ हेयर। आफ्टर बोथ यू राइट बोथ हेयर, शिफ्ट की इंटर की एंड कैप्स लॉक की। कीबोर्ड हैज शिफ्ट की, कितना की को शिफ्ट की होता है, अभी हम जस्ट पढ़ें देखें, दो ठो होता है। शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन कौन सा साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑन द कीबोर्ड, अभी हम जस्ट देखें वी वॉच शिफ्ट की कीबोर्ड, कीबोर्ड अभी हम देख रहे हैं कौन सा, अभी हम देख रहे हैं एक यहाँ है शिफ्ट की और एक यहाँ है शिफ्ट की, ये हमारा पूरा कीबोर्ड है, इट मीन्स बोथ साइड, बोथ साइड मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ओके, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ कीबोर्ड शिफ्ट की इज अवेलेबल। देन हियर हेयर वी राइट लेफ्ट एंड राइट, कैप्स लॉक की इज ए, अभी हम जस्ट देखे थे कौन सा की होता है, टॉगल की होता है, कौन सा की होता है, टॉगल की, हेयर इज वी वॉच हेयर टॉगल की, ओके, वी वॉच हेयर, वी लर्न हेयर टॉगल की, देन वी राइट हेयर टॉगल की। ए टॉगल की इज ऑन विच कैन बी
टर्न ऑन एंड ऑफ। हम अभी जस्ट पढ़े हैं, यहाँ कीबोर्ड में होता है क्या करते हैं हम, हेयर इज ऑन हेयर इज ऑफ, हम क्या करते हैं ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वही चीज़ हमको यहाँ लिखना है, ऑन ऑन एंड ऑफ। ओके, आफ्टर कलर शिफ्ट की रेड कैप्स लॉक की ग्रीन इन द पिक्चर ऑन द कीबोर्ड साउंड हेयर इन दिस कीबोर्ड शिफ्ट की को कौन सा कलर से करना है, रेड से, इसको और इसको रेड से कलर कर देना है, कैप्स लॉक की को ग्रीन से करना है, ये कैप्स लॉक की इसको हम क्या करेंगे ग्रीन से कलर कर देंगे इन दिस पिक्चर हेयर। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर, नेक्स्ट इज हैंड्स ऑन, यू डू इट, आप इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करके बनाएं, अगर नहीं बनता तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बना के दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नम लॉक की ए टी सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।